बारे में क्या छपा है? क्या भैया? कि चाहे दुनिया में कितने भी ईमेल्स हों, खबर से सबसे तेज है ना, ईमेल से पहुंचाती है। भैया मेरे पास एक और है। सुनो सुना। औरत सारा दिन यूट्यूब पे पकवानों की रेसिपी देखती है, आखिर शाम को दाल ही बनाती है। आज का ज्ञान आपके शब्द ही आपकी मास्टर की है, ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले लगा भी सकते हैं। ये लो हमारा लंच बॉक्स। ये गांव से माने जो अचार भेजे वो है ना इसमें? हाँ, तुम्हारी माँ के अचार है इसमें। भाभी, मुझे लगता है आपके हाथों की सब्जी भैया को पसंद नहीं है, इसीलिए रोज अचार की डिमांड करते हैं। चुकर मनवाएगा क्या? छोटे, सब्जी में दम नहीं है, मुझे इस बात का गम नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि सब्जी में दम नहीं है, ये बात बोलने के लिए तुम्हारे भैया के पास दम नहीं। भैया हाय भाई। भाभी, भैया और भैया ऑफिस कैसा था? अरे यार ऑफिस का क्या है, वही रोज की तरह घिसा पिटा बोले। लेकिन तुम लोग तो आज फिल्म देखने गए थे ना, क्या हुआ उसका? फिल्म? जानते हैं भैया, आज भाभी के साथ बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ। किस्सा? बता बता क्या किस्सा हुआ? क्या हुआ ना, जब इंटरवल के बाद भाभी वापस लौट रही थी तो पता है आदमी से क्या पूछी? क्या पूछी? क्या पूछे? यही पूछे कि भाई साहब बाहर निकलते वक्त कहीं मैंने आपका गलती से पैर तो नहीं ना कुचल दिया। अरे तो फिर भाभी क्या हुआ? फिर क्या, उसने कहा रखा था क्या माफी मांगने आई है। माफी? माफी क्यों नहीं मांगी तुम्हारी भाभी? लेकिन महा, अरे भैया भाभी ना अपने सीट की लाइन खोज रही थी। ये छोटे छोटे सुन सुन सुन, जानता है इसमें क्या लिखा है? क्या था? तीन लोगों में से कोई एक व्यक्ति जरूर मूर्ख होता है। बेहाल भाई। गुड डन। हाँ? जरा मुझे बताना कि मैं मूर्ख हूँ या तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो तीव्र बुद्धि वाली, हाँ, ज्ञान की स्वामिनी हो स्वामिनी, तुमसे बड़ी विदुषी हुई कहाँ है? हाँ, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी मूर्ख से शादी कर लो?